जब से धार क्राइम ब्रांच का गठन हुआ है तब से ही बदमाश अपराध करने के बाद सलाखों के पीछे जाने से बच नहीं पा रहे। कहने को तो धार क्राइम ब्रांच की टीम बहुत ही छोटी है, मगर हाथ इतने लंबे हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, उस तक क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच ही जाती है और अपराधियों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है। क्राइम ब्रांच की टीम धार SP वीरेंद्र सिंह के निर्देशन में काम करने वाली एक ऐसी टीम है जिसने जिले में कई अपराधों का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। हम आपको बता दें कि गत वर्ष धार शहर में आरोपी रवि अपने साथियों के साथ मिलकर रितेश व सुनिया की जघन्य हत्या करके फरार हो गया था, जिसको आज धार क्राइम ब्रांच और पुलिस कोतवाली ने गिरफ्तार किया। दरअसल धार जिले में विधानसभा चुनाव को देखते हुए फरारी इनामी वारंटियों की धरपकड़ के लिए धार पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा रूपेश द्विवेदी के निर्देशन में तेज कर दी गई है, जिसके चलते आज धार क्राइम ब्रांच ने हत्या के आरोपी रवि को मांडू नाका से गिरफ्तार किया, जिस पर लूट छीना झपटी और मारपीट जैसे कई आरोप हैं, जिसके पास से पिस्टल, दो कट्टे और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। साथ ही उसके दो साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सर, आरोपी पकड़े गए, किस मामले पकड़े गए? ये धार कोतवाली एवं क्राइम ब्रांच का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जहां पे 302 का फरारी का जो काफी टाइम से फरार था उसे पकड़ा गया है, रवि उर्फ प्रतिष्ठा और पीयूष हाथों पर। इसे मांडू नाके से पकड़ा गया है और इसे कोतवाली और क्राइम ब्रांच की ज्वाइंट टीम थी जिसने पकड़ा है, और इसकी चेकिंग के दौरान इसके पास एक अवैध हथियार भी मिला है और उसी की निशानदेही पे और 3 हथियार जब्त हुए हैं और जो मोटरसाइकिल थी वो भी चोरी की थी। जो रवि है वो आलतन अपराधी है, इसके खिलाफ पहले भी कुछ मामले दर्ज हैं, तो उसकी भी कार्रवाई देखी जाएगी। इनाम रखा था इन लोगों को? इसके ऊपर 15,000 का इनाम था, 10,000 का इनाम थाना कोतवाली अंतर्गत जो 302 का अपराध था उसमें, और 5,000 का गंदवानी अंतर्गत जो है उसमें। सर, आपका नाम? सचिन शर्मा।